वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पिछड़ा भोगने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है। हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे, हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है, आपकी वजह से छोड़ी है। जारी करता हूँ, गद्दार ही है। कि पहले तो तीन बार सुनना पड़ता है आपने कहा क्या, जब समझ में आती है बात पूरी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। राजस्थान की राजनीति में एक बार फिर सियासी कोहराम मचना शुरू हो गया है। हालांकि लोकसभा चुनाव में जनता का फैसला क्या होगा, इसका ऐलान तो 4 जून को होगा, लेकिन उससे पहले ही इस नौतपा के मौसम में लगता है अब राजस्थान के नेता भी तपने लगे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर सूबे के पूर्व मुखिया अशोक गहलोत के बयान फिर चर्चाओं में आने लगे हैं। हाल ही में गहलोत ने कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को गद्दार, नालायक, निकम्मा तक कह दिया। गहलोत ने दावा किया कि राजस्थान में बीजेपी की कम सीट आने की हालत में चुनाव बाद सीएम बदल रहे हैं, सीएम का क्या कसूर है। दरअसल कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट कहने के सवाल पर गहलोत ने कहा कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को चाहे अवसरवादी कह दीजिए, नॉन परफॉर्मिंग कह दीजिए, निकम्मा कह दो, नकारा कह दो, पीठ में छुरा घोंपने वाला कह दो, ये तमाम शब्द प्रयोग करते हैं। जो गद्दारी करता है वो गद्दार है, पीठ में छुरा घोंपे उनको आप क्या कहोगे, उनके लिए यही शब्द है। गहलोत कहते हैं कि कांग्रेस छोड़कर जाने वालों ने अच्छा नहीं किया, 5 साल आप राज करो और फिर संकट में हो तो छोड़कर चले जाओ, ये वक्त था काम करने का, इतिहास उससे बनता है। गहलोत कहते हैं कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, जिस वक्त इंदिरा गांधी खुद चुनाव हार गई थी, कांग्रेस साफ हो गई थी, उत्तर भारत में एक सीट आई थी नाथूराम मिर्धा की, तब हम लोगों ने मजबूती दिखाई, संकट में साथ खड़े रहे, बाद में इंदिरा गांधी की वापस आंधी चली, कांग्रेस के अच्छे दिन आए तो उस वक्त जो साथ खड़े थे पिछले 40 साल से पार्टी में वो ही बड़े पदों पर है। तो चलिए पहले आपको अशोक गहलोत का वो बयान सुनाते हैं जो इस समय काफी चर्चाओं में है और जिस पर अब तेजी से राजस्थान में सियासत भी शुरू हो गई है। आइए सुनते हैं अशोक गहलोत का बयान, फिर करेंगे आगे की चर्चा। अब इनके बारे में तो कमेंट मुझसे मत करो, क्योंकि अफसरवाइता होती है ना, वो नॉन परफॉर्मिंग कह दो, उनको अफसरवादी कह दो, निकम्मे कह दो, नाकारा कह दो, गद्दार कह दो, पीठ पिछड़ा भोंकने वाले कह दो, ये तमाम सब जो है भाई बहन है, तमाम सब जो भाई बहन हैं, और इनका उपयोग ही होता है इन लोगों के लिए। जो गद्दारी करता है वो गद्दार ही है, देखो गद्दारी करता है, पीड़ो छुड़ा मांगता है, उनको आप क्या कहोगे भाई, ये शब्द है डिक्शनरी में, तो आप भाई बहन हो सकते हैं ये, तो इसलिए इसमें तो अच्छा नहीं किया। 5 साल राज करे और जब संकट में हो चले जाओ छोड़ करके, अरे ये वक्त था अभी काम करने का, इतना उससे बनता है। यानी अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी और बीजेपी के साथ कांग्रेस छोड़कर जाने वाले नेताओं को निशाने पर लिया है और कांग्रेस छोड़कर जाने वालों को गद्दार, नालायक, निकम्मा तक कह दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि कहा जाता है कि राजनीति में वार पर पलटवार जरूर होता है, क्रिया की प्रतिक्रिया और आरोप पर प्रत्यारोप। तो जब गहलोत ऐसे नेताओं पर हमलावर हुए तो फिर जवाब भी आना लाजमी था और आया भी। अब यहाँ रिसपाल मिर्धा पर जो रिसपाल मिर्धा हैं उन्होंने अशोक गहलोत पर जवाबी वार कर दिया। दरअसल रिसपाल मिर्धा पिछले दिनों कांग्रेस से नाता तोड़कर भाजपा के कुनबे में शामिल हुए थे। अब मिर्धा ने पलटवार करते हुए कह दिया कि गहलोत साहब आपको 3 बार सुनना पड़ता है तब जाकर आपकी बात समझ में आती है। वो कहते हैं कि हमने तो आपकी वजह से कांग्रेस छोड़ी है, अपना मान सम्मान को बचाने के लिए हम बीजेपी में आए हैं। मिर्धा कहते हैं कि आज जिस हालात में आपने कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया उसके जिम्मेवार आप अकेले खुद हो। आप राजस्थान में इकलौते ऐसे नेता हो
जिसकी वजह से पार्टी की यह दुर्गति हुई है। कई नेता और भी हैं जो आपकी वजह से कांग्रेस पार्टी छोड़कर चले जाएंगे। कांग्रेस में केवल आप और आला कमान ही रह जाएंगे। रिशपाल मिर्धा ने कहा कि आपको यानी गहलोत को जितनी भी बयानबाजी करनी है आप 4 जून से पहले कर लो, उसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का पता जालौर में चलने वाला है। अब जालौर का जिक्र यहां पर क्यों हुआ उसके लिए भी आपको बता दें कि यहां से अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत ने लोकसभा का चुनाव लड़ा है। तो आइए आपको सुनाते हैं रिशपाल मिर्धा का बयान भी, जिस पर जहां गहलोत पर सीधे सीधे रिशपाल मिर्धा ने जमकर पलटवार किया है। माननीय गहलोत साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि पहले तो 3 बार सुनना पड़ता है कि आपने कहा क्या है, जब समझ में आती है बात पूरी। और आपने जो ये बातें कही है कि सत्ता का सुख भोगने वाले, किसने सत्ता का सुख भोगा है 5 साल? हमारे तो बिल्कुल काम ही नहीं होते थे, हमने हमारा मान सम्मान बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी को छोड़ी है और आपकी वजह से छोड़ी है। इस सब के कारण आप ही हो, और जिन्होंने सत्ता का सुख भोगा है आपके पॉलिटिकल पापा, आप जिसके बनके नागौर में जिसको आपने काम किए जिनके, वो आज भी आपके पिट्टू बने बैठे हैं और उनका ही काम आपने किया और उनको नागौर में आपने आगे बढ़ाया। हमने तो हमारी ईमानदारी से पार्टी के लिए खून पसीने को सींचा था, इसलिए हमारा मान सम्मान बचाने के लिए हम भाजपा में आए। अब आप बोलते हैं कि ये नेता किसी काम के नहीं, आप 4 तारीख पहले ये बयानबाजी कर लो फिर आपको मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस का पता जालौर में चलने वाला है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी है राजस्थान में कैसी। पहले तो आपको जालौर में ही पता चल जाएगा आपकी परफॉर्मेंस का। और आपने जो बातें हमारे लिए कही है, कांग्रेस छोड़कर वो गए वो निकम्मे, वो आप कांग्रेस के लोकप्रिय नेताओं के लिए भी कह चुके हैं। जिन नेताओं को आपने खत्म किया, जो नेता इस पार्टी को राज में लाने का जिन्होंने काम किया, उनके लिए भी आप कह चुके हैं कि ये नकारा है, ये गद्दार है, ये बिल्कुल ही किसी काम के नेता नहीं है। तो आप तो अपनी जमीर बेचकर आपने जो 5 साल एक टांग पे खड़े होकर सरकार चलाई, उसका आप क्या जवाब देने वाले हो लोगों को? हमारे ऊपर आप क्या आरोप लगा सकते हो? हम तो एकदम जिस हमने हमारे घर से कुछ लगा के इस पार्टी को सींचा है, हमने किसी पार्टी आज तक इस पार्टी में हमारे पर कोई 2 रुपए लेने का किसी का आरोप नहीं लगा। आपने कहा सत्ता का सुख भोगा, सत्ता का सुख भोगा वो तो नागौर से आपने उससे गठबंधन किया है और कौम को खत्म करने पर काम किया है तो उसके साथ मिलकर किया आपने। जिस कौम की पॉपुलेशन 23-24% राजस्थान में है, उस कौम के लोगों को भी आपने खत्म करने का काम किया, इसलिए आपको कोई कहने का हक नहीं है कि आप गए छोड़ के गए वो गए। आप खुद की वजह से जो आपने जिस स्थिति में कांग्रेस पार्टी को पहुंचाया उसके जिम्मेवार राजस्थान में सिर्फ आप अकेले खुद नेता ऐसे हैं जिसकी वजह से ये पार्टी की दुर्गति हुई है। और भी कई नेता कांग्रेस छोड़कर चले जाएंगे, इस पार्टी में आप और आला कमान दो ही बचेंगे, कोई नहीं बचेगा मेरे हिसाब से। और आला कमान भी पता नहीं उनकी क्या मजबूरी है कि जो बात आप कहते हैं वही होती है। और आला कमान ने जो यहाँ पे यहाँ मीटिंगें करवाई, आपने जिस तरीके से उनको नीचा दिखाया, उनके फैसले को आपने ठुकराया, और आप इतने मजबूत हैं कि आला कमान को भी आपके सामने झुकना पड़ा। इसलिए आप कृपया ऐसे बयान देने से पहले सोचें कि आप किन के बारे में कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे हैं। इसलिए मैं पुरजोर शब्दों में इन बातों का खंडन करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि अगर ऐसे बात और ऐसी शब्दों का दोबारा आपने प्रयोग किया तो हम भी करना जानते हैं। अब ये तो सब जानते हैं कि सियासत में वार पलटवार की कहानी चलती ही है, नेता एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, लेकिन नेताओं के शब्द, आरोपों की भाषा और फिर जिस तरह जवाबी हमले किए जाते हैं उनसे नेताओं की सोच का भी पता चलता है और समझा ये भी जा सकता है कि आखिर हमारे हुक्मरान जनता जनार्दन के लिए कितने सजग हैं।